हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आके फूड रेसिपीज। बहुत टाइम के बाद मैं एक नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए, जैसा कि पता है अभी होली आने वाली है, तो फेस्टिव सीजन में तो हम कुछ स्पेशल ही बनाते हैं। तो आज हम यहाँ पे खोए की गुजिया बनाएंगे। तो मैंने ये लिया है यहाँ पे 500 ग्राम्स खोया, और उसके साथ ही साथ मैंने लिया यहाँ पे ये हाफ कप सूजी, या जिसको आप रावा भी बोलते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन लिया है, उसमें हम अपनी सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का गोल्डन होने पे हम इसको निकाल लेंगे। तब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, और इसका जो कच्चापन है साथ ही वो भी खत्म हो जाए। ये देखें मेरी सूजी, यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर ली है। इसका ये कलर जो हमने ली थी वो व्हाइट है, और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको इस एक प्लेट में ठंडा करने के लिए अलग रख देंगे। अब हम उसी पैन में अपना ये जो हमने 500 ग्राम खोया लिया है उसको भूनेंगे। खोआ भूनने से क्या होता है कि एक तो जो खोए का कच्चापन रहता है वो चला जाएगा, और प्लस जो हमारी गुजिया है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये ऑलरेडी जो मैंने खोआ लिया है वो ऑलरेडी हल्का ब्राउन है, तो हम इसको डार्क ब्राउन होने तक भूनेंगे। और हम इसको भी फ्लेम को हम जो है मीडियम ही रखेंगे, अदरवाइज जो खोया है हमारा जल जाएगा। ये देखिए अभी हार्ड है, अभी जैसे ही गर्म होगा तो ये लिक्विड ही हो जाएगा, और उसको वापस से हमें तब तक भूनना है जब तक ये टेक्सचर हमको वापस न मिल जाए। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे ये लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। अब हम इसको ब्राउन होने दिए, ऑलरेडी डार्क कलर है पर इससे भी डार्क कलर तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, ये जो खोया था वो हमारा एकदम सॉलिड था पहले, और ये अब गर्म होने के बाद एकदम लिक्विड ही हो गया है। और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम को हमारा मीडियम रखेंगे और इसको भूनेंगे। और ये देखिए, ये जो हमारा एकदम लिक्विड ही था पहले खोया, ये आधा भूनने के बाद ये हल्का सा फिर से गाढ़ा हो रहा है, और देखिए ये साथ ही साथ इसका कलर ये जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब हम इसको लगभग 10 मिनट और भूनेंगे, तब तक ये और गाढ़ा ना हो जाए और ये डार्क गोल्डन ना हो जाए। और ये देखिए, लगभग 20 मिनट भूनने के बाद ये एकदम कलर में डार्क हो गया है, और ये वापस से गाढ़ा हो गया है। जो हमारा लिक्विड कंसिस्टेंसी थी वो एकदम खत्म हो चुकी है, और ये देखिए कितना सुंदर कलर इसका आया है, ब्राउन कलर। अब बस हम इस स्टेज पे इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसको और ये जो हमारा खोया है इसको हम ठंडा करने के लिए इसी में, और ये जो खोया है मुझे भूनने में लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को हम तेज नहीं करेंगे, अदरवाइज जो हमारा खोया है वो जल जाएगा। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, हमको इसको बिल्कुल ही ठंडा करना है तभी हम इससे आगे का काम करेंगे। चलिए, जब तक ये हमारा खोया ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा ली है, उसमें मैं यहाँ पे ऐड करूंगी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बोलते हैं ना कि कोई भी स्वीट डिश में अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं तो मीठे का फ्लेवर और भी अच्छे से होके आता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल, आप चाहो तो देसी घी का यूज भी कर सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से अपने आटे में मिक्स करके आटे में मोइन लगा दूंगी। गुजिया बनाने के लिए आटे में मोइन ज्यादा पड़ता है, तभी हमारी गुजिया जो है वो बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनती है। आप देसी घी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और हम इसको अच्छे से रफ करेंगे। और जो ऑयल है वो मेरे मैदा में अच्छे से मिक्स हो चुका है, और ये देखिए कुछ इस तरीके का हमें एक लड्डू बनाना है, और ये ब्रेड क्रम के जैसे टेक्सचर बनेगा। ये देखिए, मैं इसको बाइंड करूंगी, मैं बाइंड हो रहा है, इतना हमें इसमें ऑयल डालना ही होगा। अब मैं इसको गूंथ लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे लुक्वम वाटर लिया है, उससे हम इसको गूंथ लेंगे और एक टाइट आटा गूंथेंगे।
और ये देखिए मैंने एक टाइट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस डो को मसलिन क्लॉथ से कवर करके या कोई भी सूती कपड़ा आप ले सकते हैं और इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। गर्म पानी से आटा लगाने से ये फायदा है कि आटा हमारा बहुत सॉफ्ट लगता है, जब हम बनाएंगे तो ये फूल जाएगा। और इतना आटा लगाने में मैंने 3/4 कप पानी यूज किया है। जब तक मेरा खोया ठंडा हो रहा है और हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे ये कुछ नट्स ले लिए हैं। इसमें मैंने काजू, बादाम, चिरौंजी, किशमिश और खसखस या पोस्तदाना को ले लिया है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नट्स यूज कर सकते हैं। और मैंने पैन में 2 टीस्पून घी लिया है। अब मैं इसको अपने नट्स को जो है वो इस घी में सॉटे कर लूंगी। ताकि जो भी कच्चापन है नट्स का वो हमारे नट्स का कच्चापन निकल जाए, तो इसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। नट्स मेरे 1 मिनट तक भून गए हैं। अब मैंने यहाँ पे ये 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप चाहो तो यूज कर सकते हैं या इसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये कोकोनट भी हम इसमें ही डाल के 1 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे, क्योंकि कोकोनट बहुत जल्दी जलता है, इसलिए हम इसको बाद में ही ऐड करेंगे। तो बस ये जब तक कि हल्का सा ब्राउन ना हो जाए और इसको भून करके हम निकाल लेंगे। और ये जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही अच्छी है, देसी घी में हमारे कोकोनट और सारे नट्स की खुशबू। और ये देखिए सबका कलर चेंज हो चुका है। हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल करके ठंडा करेंगे। अब ये जो मेरा मावा है वो एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहला जो हमने रवा भून के रखा था वो इसमें डाल देंगे। उसके साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को सॉटे किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप ऑफ चीनी, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे इलायची पाउडर। आप मीठा कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए एक मेरी बहुत ही टेस्टी सी ये फिलिंग बनके गुजिया की रेडी है। चलिए अब हम अपना गुजिया बनाना शुरू करेंगे। तो मेरा जो डो है वो भी रेस्ट कर चुका है। अब मैं इसको बेल करके आपको बताती हूँ कि गुजिया कैसे बनानी है। मैंने जो फिलिंग में खड़ी चीनी यूज की है, आप उसके जगह चाहो तो पिसी चीनी या बूरा चीनी का भी यूज कर सकते हो, पर मैं खड़ी चीनी यूज करती हूँ इसलिए क्योंकि जब ये गुजिया फ्राई होगी तो वो चीनी अपने आप ही मेल्ट होके उसमें मिक्स हो जाएगी और उसका जो कैरामलाइजेशन का जो प्रोसेस रहेगा, उसका जो टेस्ट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इसको भी हम अपना बेल के तैयार कर लेते हैं। हमको इसको ज्यादा पतला नहीं बेलना है, ये कुछ इस तरीके से इतना मोटा हम इसको रखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक बड़े चम्मच मैदा ली है, उसमें पानी मिक्स कर लिया है और इसको अपना गुजिया सील करने के लिए एक लेई बना ली है। अब हम सबसे पहले जो हमने पूड़ी यहाँ पे बेल के रेडी की है उसको लेंगे, उसमें जो फिलिंग है हमारी वो डालेंगे। याद रखें हमें ओवर फिल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो गुजिया है वो फट जाएगी। अब जो हमने लेई बनाई है इसके हाफ में ये हम लेई लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसको इसके ये जो किनारे हैं उसको अपने फिंगर से अच्छे से सील कर देंगे ताकि जो हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले, और इसको हम साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी जो ये दूसरी पूड़ी है
इसको भी भर करके रेडी कर लेते हैं। और ये जो मैंने भर के तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसको, ये प्लेन तो अच्छा लगता नहीं है, तो आप इसको मार्केट में बहुत सारे सांचे मिलते हैं, आप उसमें इसको भर के इसकी किनारों की कटिंग कर सकते हैं, पर मैं इसको हाथ से फोल्ड करना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसको फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम इसकी साइड को यहाँ मोड़ेंगे और ये जो हमारा थंब का जो नेल है उससे इसको कट करेंगे, और कट करते करते यही प्रोसेस हम करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगती है। अब इसको मैं पूरा आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, ये एक प्रॉपर गुजिया का शेप बन के रेडी है। आप चाहो तो मार्केट में बस सांचों का भी यूज कर सकते हो, पर मुझे ये ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। और ये मैंने दोनों का डिजाइन बना दिया है। अब मैं इसी तरीके से सारी गुजिया को भर करके रेडी कर लूंगी, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जब याद रखिए, जब हम इसको भर के रखते जाएंगे तो इसके ऊपर से एक सूती कपड़ा डाल देंगे ताकि ये सूखे ना, ताकि जब तक हम सारी गुजिया अपनी भर लेते हैं। ये देखिए, ये सारी गुजिया मैंने भर करके रख लिए हैं, और मैंने कढ़ाई में देसी घी लिया है। आप चाहो तो नॉर्मल ऑयल का भी यूज कर सकते हो, पर मैं इसको देसी घी में फ्राई करूंगी मीडियम ऑयल पे, मीडियम हीट पे। मीडियम ही हमें तेल को गर्म करना है, और उस पर अपने गुजिया को फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसको हम आज तेज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉगी हो जाएगा, नरम हो जाएगा और जल्दी सिक जाएगा, तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमारा फ्राई करेंगे। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे देसी घी यूज कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपना गुजिया को डालेंगे, और इसको हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि ये फटे ना। ये देखिए, फ्लेम को हमने अपना कम धीमा ही रखा है, और ये देखिए कढ़ाई में जाने के बाद हमारी गुजिया कैसे फूल रही है। इसको हमको बहुत ही हल्के हाथ से पलटना है। अगर आप थोड़ा सा थोड़ा ही लापरवाही करेंगे तो ये जो गुजिया है हमारी वो फूट सकती है, तो इसको हमको बहुत ही हल्के हाथ से पलटना है, और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। और इसी तरह हम अपनी बाकी की सारी गुजियों को फ्राई कर करके रेडी कर। और ये देखिए, हमारे गोल्डन क्रिस्पी गुजिया बनके एकदम रेडी है। मैंने इन्हें कुछ रोज पेटल्स के साथ डेकोरेट किया है। ये देखिए, आप ये आवाज सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। यह जो आवाज है वो बता रही है कि हमारे गुजिया एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं, और ये बनके एकदम रेडी हैं। आप अपनी फैमिली के साथ ये एंजॉय कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर बनाइए, ट्राई करिए। ये गुजिया बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस होली के लिए आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। घर में कोरोना है तो अवॉइड करिए कि बाहर से मीठा नहीं लाएं, और इस तरीके से आप गुजिया बनाकर घर में एंजॉय करिए। और ये बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।